लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। सिडको ने मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट 2018-19 के पात्र विजेताओं को 1 जुलाई से मकान आवंटित करने की घोषणा की है। लॉकडाउन के कारण बीते एक साल से पीएम आवास योजना के तहत इन मकानों का आवंटन रुका हुआ है, जबकि पात्र लॉटरी धारक इसके लिए प्रीमियम का भुगतान भी कर चुके हैं। फिलहाल इसके आवंटन में हो रही देरी पर जहां अभ्यर्थी नाराज थे, वहीं मनसे ने आंदोलन की चेतावनी दी थी, जिसका संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पहल पर नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने सिडको को तत्काल इन घरों का आवंटन करने का निर्देश दिया है। बता दें कि सिडको ने नवीबई के तलोजा, द्रोणागिरी, घनसौली समेत 5 ठिकानों पर ऐसे 25,000 मकान तैयार किए हैं जिनका आवंटन होने वाला है। देखिए रिपोर्ट। लॉकडाउन के कारण बीते एक साल से लंबित पड़े मेगा हाउसिंग योजना के 25,000 मकानों के आवंटन की तैयारी है। सिडको ने 1 जुलाई से पात्र धारकों को मकान की चाबियां सौंपने की तैयारी कर ली है, जिन्होंने पेमेंट का सारा प्रीमियम भुगतान कर दिया है। सिडको के ये मकान तलोजा, खारघर, द्रोणागिरी, घनसौली समेत 5 नोड में बनकर तैयार हैं। इन्हें पीएम आवास योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से बनाया गया था। नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने घरों के आवंटन में देरी के सवाल पर कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक सहायता नहीं मिलने के कारण सिडको ने इन मकानों का आवंटन रोक दिया था। इसे लेकर अभ्यर्थी नाराज थे और मनसे ने भी आंदोलन की चेतावनी दी थी। फिलहाल मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लेते हुए मकानों का आवंटन शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। 2018 साली सिडको ने 7,000 घरांची लॉटरी काढली होती। ज्या 7,000 लोकांना, नागरिकांना लॉटरी लागली होती घराची, त्या घरांसाठी पंतप्रधान आवास योजनेतली घरं असल्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारचा हिस्सा अद्याप येणं बाकी असलं तरी सुद्धा ज्या नागरिकांनी स्वतःचा हिस्सा भरलेला आहे अशा नागरिकांना ताबा देण्यापासून वंचित ठेवू नये अशा प्रकारचे मुख्यमंत्री महोदयांच्या सूचनेनुसार मी सिडकोचे MD संजीव मुखर्जी यांना निर्देश दिलेले आहेत। आणि सध्या कोविडच्या संकटामध्ये नागरिकांना घराचा ताबा वेळेवर मिळाला तर त्यांना मोठा दिलासा मिळू शकेल। केंद्र आणि राज्य सरकारचा जो काही हिस्सा आहे तो वेळेवर मिळेल त्यासाठी सिडकोने प्रयत्न करावा, ते प्रयत्न करतील, परंतु तोपर्यंत नागरिकांना वंचित ठेवू नये, ताबडतोब तातडीने घरांचा ताबा त्यांना देण्यात यावा। बताना जरूरी है कि सिडको द्वारा हाउसिंग फॉर ऑल योजना के तहत नवीबई में कुल 1,00,000 मकानों के निर्माण का कार्य चल रहा है। फिलहाल 1 जुलाई से 7,700 अभ्यर्थियों को मकान सौंपने की तैयारी है, जबकि बाकी विजेताओं को दूसरे चरण में घर सौंपे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।